भारतीय फाउंडेशन द्वारा संचालित सत्य भारतीय क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम व शिक्षा विभाग अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में ईरा अवार्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन रॉकस्टार अचीवर्स का आयोजन किया गया। अजमेर के मोनिया इस्लामिक स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में अजमेर शहर के प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों ने भाग लिया। भारतीय फाउंडेशन अजमेर जिले के प्रभारी ओम प्रकाश जोगी ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन दो श्रेणी में आयोजित किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ाने वाले अध्यापक तथा दूसरे वर्ग में 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को शामिल किया गया है। इस मौके पर सभी ने अपने अपने अध्ययन कराने की जानकारी दी। इस मौके पर विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को प्रोत्साहन देकर उनकी क्षमता एवं रचनात्मक कौशल को बढ़ाकर विषयों को आकर्षित बनाना एवं अधिगम में नवाचार को बढ़ाना है। जी सर, भारतीय फाउंडेशन द्वारा संचालित सत्य भारतीय क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम अजमेर एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज हमने राजकीय मोनिया इस्लामिया स्कूल में शिक्षण अभिलोम पुरस्कार का आयोजन किया है, जहां पर अजमेर शहर की प्रारंभिक विभाग एवं माध्यमिक विभाग के लगभग 70 अध्यापकों ने भाग लिया है। ये कार्यक्रम करवाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो शिक्षक हैं, जो कि नवाचार के माध्यम से बच्चों को किस तरह से पढ़ाएँ और एक दूसरे से सीखें, तो इस श्रृंखला में दो श्रेणी में ये आज इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें सुबह का इस प्रतियोगिता का जो समारोह हुआ उसमें उसके उद्घाटन समारोह में भगवती प्रसाद शर्मा एडीओ साहब और जाटव सर हैं, धर्मेंद्र सर हैं जो कि एसटीसी विभाग के प्राचार्य हैं और विस्तानी विद्यालय के शाहिदुल हक चिश्ती साहब थे जिन्होंने कि शुभारंभ प्रतियोगिता का किया, और समापन समारोह में अरुण शर्मा जो एडीओ सर हैं और देवेंद्र त्यागी जी हैं जो समसा के प्रोग्राम ऑफिसर हैं, उन्होंने इस प्रतियोगिता का समापन समारोह में आकर के शिरकत की और सभी विजेता, दोनों चरणों में विजेता जो अध्यापक रहे उनको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया गया। साथ में सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिया गया।